पठान मूवी देखी किसी ने देखी नहीं देखी देखने वाले हो जी सब देखने वाले अच्छा विश्वारूप जी से हम लोग सवाल करते हैं विश्वारूप जी यहाँ पर आज आए हैं आपका फैन क्लब है और शाहरुख खान जी की पठान आज रिलीज हो रही है ये एक बड़ा सेलिब्रेशन है एक्चुअली क्या कहना चाहोगे आपके ग्रुप के बारे में टोटली और क्या सब बात ये फिल्म आ रही है और जैसे कि आप लोग देख रहे वैसे तो हमारा फैन फोर्स पूरे इंडिया में जो है बर्थडे पर शो कर रहा है और कई सारे और भी फैन ग्रुप कर रहे हैं और शाहरुख खान के जितने भी फैन हैं वो सब फर्स्ट पर से वो भी देख रहे हैं उसके साथ साथ सारी जगहों पर सारे शोज फुल जा रहे हैं सब देखी जा रही है फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त है जहाँ तक का रिपोर्ट आई है बहुत अच्छी लगी स्पेशली शाहरुख जी को आप सबने देखा है जैसे इस मराठा मंदिर में ये प्रोग्राम करने के पीछे मेरा मकसद यही है क्योंकि यहाँ पे DDLG पिछले 27 सालों से लगातार चल रही है और हम लोग पठान जैसी फिल्म से भी उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि जब शाहरुख जी की फिल्म इतनी अच्छी आई है इसमें उनका एक्शन ज़्यादा है रोमांस करते तो काफ़ी सालों से हम लोगों ने उनको देखा है लेकिन आज पहली बार हम लोग जो है पठान फिल्म में एक्शन के द्वारा देख रहे हैं ट्रेलर टीजर और गाने हम लोगों ने देखे हैं सभी ने पूरी जो लोग शाहरुख जी को पसंद करते प्यार करते आपने देखा है गानों को भी बहुत प्यार दिया है और ये पिक्चर बहुत बड़ी सुपरहिट है और बहुत ज़्यादा एडवांस बुकिंग भी हुई सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और यही हमारे शाहरुख जी को किंग ऑफ बॉलीवुड बनाता है क्योंकि वही हम सब फैंस की चाहत है और उनके लिए दीवानगी है और आप देख रहे हैं जैसे मराठा मंदिर में इतनी ज़बरदस्त क्राउड है पूरा हाउसफुल है और सारे लोग जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं और शाहरुख जी को बेस्ट विशेज भी दे रहे हैं हम लोग और पठान को हम लोग बहुत प्यार देंगे क्योंकि पठान काफ़ी टाइम बाद आई है और हम लोग काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे और ये फिल्म वास्तव में बहुत ज़बरदस्त है और इसमें एक्शन और बाकी जो भी आप फिल्मों में चाहते हैं क्योंकि फिल्म में सबसे अच्छी बात होती है म्यूजिक और म्यूजिक भी सुपरहिट रहा है और बहुत ही पसंद किया जा रहा है बाकी आप सब जानते हैं शाहरुख जी पूरी दुनिया के बॉलीवुड के किंग के साथ साथ पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं दुनिया में लोग हिंदुस्तान को शाहरुख जी के नाम से जानते हैं और इस फिल्म को भी बहुत प्यार दिया जा रहा है और एक बार वी लव यू शाहरुख रुचि जी आप भी क्या कहोगे यू आर ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फैन मैं कहना चाहूंगी कि शाहरुख खान की मूवी 4 साल के बाद रिलीज हो रही है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ये मूवी बहुत ही अच्छी बनी हुई है इसमें शाहरुख जी ने रोमांस नहीं किया है बल्कि एक एक्शन हीरो के रूप में है तो एक नया रूप उनका देखने को मिलेगा एक्शन करते हुए और बहुत अच्छी मूवी है देशभक्ति के आधारित है तो आप सभी लोग देखिए और इन्जॉय करिए अपनी फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ राजकुमार जी आप क्या कहोगे आप भी फिल्म देखने आए हो शाहरुख खान की आप भी कितना चाहते हो मैं तो डाई हार्ड फैन हूँ शाहरुख जी का और बचपन से ही उनके पिक्चरों को देखते हम बड़े हुए हैं और अभी ये जो मूवी आई है पठान इसके बारे में सुबह से अच्छी रिपोर्ट मिल रही है अच्छा प्रतिसाद है लोग जा रहे हैं थिएटर में इतने साल के बाद कोविड के बाद थिएटर में जा रहे हैं मूवी देख रहे हैं और पहली बार इतना एक्शन भरा हमने बादशाह को हम देखेंगे तो मुझे खुशी है और मैं ऊपर से दुआ करता हूँ कि ये सुपर सुपर और बड़ी बड़ी तरक्की करेगी शाहरुख जी आप खुद भी एक बहुत ही डाई हार्ड फैन हो शाहरुख जी आपके घर पर भी आए आप लखनऊ से बिलोंग करते हो कुछ अपने ग्रुप के बारे में भी एसआर के जो आप फैन क्लब चलाते हो देखिए क्या है शाहरुख फैन फोर्स इंडिया ये बहुत सालों पहले मैंने किया था स्टार्ट किया था वैसे तो हमारी हर चीज़ शाहरुख जी के नाम से जैसे चैरिटी का काम होता तो एसआर के फाउंडेशन के नाम से हम करते हैं जुलैया 2 कश्मीर 5 को छोड़ के 2022 में रिवाइव ये पहली पिक्चर है 2023 की 2023 की जो मुझे आज ये खुशी महसूस करवा रही है पूरे काल भी लाभ हो रही है हम लोगों को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि हम लोग शाहरुख खान के फैन हैं और शाहरुख जी की फिल्म इतना अच्छा बिजनेस दे रही है और ये मराठा मंदिर तो मतलब शाहरुख जी और मनोज देसाई सर के नाम से ही जाना जा रहा है क्योंकि DDLJ लगातार चल रही है और मराठा मंदिर में चल रही अट्ठाईस साल से DDLJ चल रही है सवाल DDLJ का नहीं है सवाल एक इम्पोर्टेंस का है जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे को साथ दे रहे हैं यहाँ पे DDLJ का भाव है नीचे 30 रुपया ऊपर 40 रुपया पठान का भाव सारी दुनिया ने 1,000 रुपये 1,500 रुपया कर दिया है मेरे वहाँ 130 रुपया स्टॉल और 160 रुपया मार्केट ये जो रेट है ना वो हमारे लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को
खींच खींच के यहाँ ले आ रहा, तब मैं 28 साल डी डी एल जे के भी पूरे कर पाया। और मेरी नसीहत यही रहेगी कि पब्लिक से थिएटर है, थिएटर से पब्लिक, और ये सब पब्लिक अगर 1000-1200-1500 में जाएगी तो कोई बेचारा जाएगा नहीं। कम से कम एक फैमिली में 4 से 5 बंदे होते हैं, तो 12000 खाली टिकट का खर्चा करने का 12, और उसकी हमारी कैंटीन के प्राइस देखिए, उनकी प्राइस देखिए, जो पॉपकॉर्न हमारे वहाँ 30-40 में मिलती है वो वहाँ 120, जो समोसा हमारे वहाँ 40 रुपये में उसका वो लोग 200 रुपये ले रहे हैं। मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ, हाउ टू रन थिएटर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 72 से अलाइन में हूँ, एग्जैक्टली मेरे को आज 51 ईयर्स हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और खास करके सुबह सुबह में मैं गेटी गैलेक्सी में, वहाँ भी फैन क्लब ने 2 शो लिए हुए थे, दोनों शो हाउसफुल थे, और बहुत अच्छी कामयाबी वो फैन क्लब को मिली है। बात रही ये फैन क्लब की, जो केरला से लखनऊ से ये लोग आए हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये लोग को आए तो आप सब आए हैं, आप सब ने ये फंक्शन बनाया, और पिक्चर जरूर कामयाब होगी। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही शाहरुख जी से ऊपर बात हुई, सलमान जी से बात हुई, और दोनों को मैंने बताया कि इट्स ए फैंटास्टिक मूवी, और पीछे हटके नहीं देखेगी मूवी। सर क्या लगता है कि एक इंडस्ट्री के लिए कितनी अच्छी बात होती है अगर कोई फिल्म हिट होती है, पूरे इंडस्ट्री से ऊपर आती है और काम लोगों को मिलता है और खुशी की लहर इंडस्ट्री में छाती है, लेकिन व्हाट आई यू सबसे बड़ी बात ये है कि बॉलीवुड नहीं चल पा रही है, 2022 में ये चल रहा है। मेरे ऐसे आदमी ने भी पुष्पा, KGF 1, KGF 2 और RRR, कई बार RRR तो अभी उसके तक पहुँची, ये सब पिक्चरें चला के हम लोग ने गेप भरे। क्यों? हमारे स्वर्गवासी मनमोहन देसाई जी, हमारे स्वर्गवासी प्रकाश मेहरा, हमारे स्वर्गवासी यश चोपड़ा जी, ये रहे नहीं। आजकल तो प्रोड्यूसर एक बंडल बना के डायरेक्टर को देता है, डायरेक्टर वो बंडल खोलता है, ये नहीं सोचता कि इसके ऊपर कितनी पीन है, कितने स्टिकर है, और डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे जैसे एग्जीबिटर को देता है, हमारे पास कुछ नहीं है तो वो पिन देखते हैं, वो सेलोटेप देखते हैं और पिक्चर रिलीज करते हैं। ये फर्क है, पहले की बात अलग थी, नसीब से लेके अमर अकबर एंथोनी या चोपड़ा जी का कौन सी पिक्चर है जो चली नहीं है, प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर से लेके कौन सी नहीं चली, आर्टिस्ट सब वही है, लेकिन कोई आर्टिस्ट ऐसी स्टोरी दे जैसे पठान की हुई है, सपने में नहीं सोचा, कितनी कॉन्ट्रावर्सी, इतना टेंशन था कि नींद की गोली लेके रात को सोता था मैं, क्योंकि वहाँ गेटी गैलेक्सी 2000 सीटें, यहाँ 1100 सीट का थिएटर मराठा मंदिर, कुछ ना हो जाए भाई, कुछ ना हो जाए, पुलिस बंदोबस्त, तो ये सब चीज़ मेंटली अपसेट करती है। बट एक बात का यकीन था कि जिस दिन पठान लगेगी और पठान के लिए सब समझेंगे बात, और 4 साल के बाद शाहरुख का कमबैक, स्पेशल अपीयरेंस इसमें सलमान का भी है, दीपिका पादुकोण है, टेरिफिक जो कुछ बातें ऐसी उड़ी थी कि भाई सब न्यूसेंस है, ऐसा न्यूसेंस हमारी संस्कृति में नहीं होना चाहिए, कुछ स्ट्रीम हो गए सीन, और पिक्चर अभी 2 घंटा 26 मिनट की है। आपके जरिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, अभी ये पिक्चर नीट एंड क्लीन है, आइए और देखिए, और OTT का इंतजार ना करें, जो 2 महीने के बाद आप देखोगे, आप बड़े स्क्रीन पे देखिए और उसकी मजा कुछ और है। नहीं, अब 4 साल बाद जो है, जो भी बॉलीवुड का अभी डाउनफॉल चल रहा था, पठान फिल्म से मैंने देखा है कि अब फिर से ऊपर आएगा, और पहले भी 90s में भी काफी बॉलीवुड को झटका लगा था, तब शाहरुख जी आए थे और वहां से फिर 30 साल लगातार फिल्में सुपर सुपर हिट दी हैं और बम्पर हिट दी हैं, बॉलीवुड का एक मुकाम बनाया पूरे वर्ल्ड में, और आज की डेट में अब मुझे ये लग रहा है कि पठान फिल्म से इसकी शुरुआत हो गई, और अभी तो बैक टू बैक शाहरुख जी की कई सारी फिल्में आने वाली हैं, और मराठा मंदिर जो कि इतना सालों से आपने देखा फिल्म को डेडिकेट रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में चल चुकी हैं, और हमारे साथ जो है एक मारूफ मिर्जा सर है जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, और मासूक, सलामी, लव स्टोरी, कस्मे वादे, अमिताभ बच्चन से लेके सभी के साथ काम किया है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे फैंस को भी मिला है, हमें स्पेशली बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल बेटे के तरीके से मानते हैं, और मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, मनोज देसाई सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, क्योंकि हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया जब जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है,
और यहाँ का प्यार, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे सभी के साथ में। और मैंने भी किसी जीटी गैलेक्सी या किसी भी मॉल में टिकट नहीं बुक किया, ना ही वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा। मराठा मंदिर से मेरा लगाव है और यहाँ की जो जनता है वो जनता भले 30 रुपये 40 रुपये में DDLJ देख रही, लेकिन फिल्म की क्रेजी है, फिल्म को बहुत अच्छे से लेती है और अच्छा एंजॉय करती है। तो यहाँ का जो माहौल है वो मुझे बहुत पसंद है। मेरा बचपन भी ऐसे ही बीता है, ऐसे ही मैंने भी फिल्में देखी हैं, तो वो थिएटर का अपना ही मजा है और अपनी ही याद दिलाता है। मिर्जा साहब, आप एक शॉर्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ इसके थ्रू, ओल्ड इज गोल्ड। तो मैं चाहता हूँ, उन्होंने जो जो फिल्में बनाई है काबिल है। सर सर, आप बताइए सर, समथिंग अबाउट पठान, लाइक हाउ हैप्पी आर यू? मैं पठान लरीज में बैंड्रा में देख रहा था, तो दो टिकट थे मेरे पास, तो वो मैंने दो टिकट बच्चों को दिए जो स्कूटर से जाते हैं, उसलिए बस देख कर के आया हूँ। और मैं सिर्फ शाहरुख खान साहब के लिए आया हूँ, और ये सेकेंड शाहरुख खान साहब हैं जो उनके बहुत बड़े फैन हैं। और मेरी दुआ है कि इस पठान माशाल्लाह सुपर हिट हो और 2023 की बिगनिंग हमारी बहुत अच्छी है। अजय देवगन ने 2022 बहुत अच्छा क्लोज किया, अब पठान 2023 की ओपनिंग शाहरुख साहब से सुपर डुपर हिट हो बहुत अच्छा, और ये कम से कम 500 crore का बिजनेस इंडिया में करके जाए। 45 crore ऑलरेडी आज की तारीख में। मैं अभी कोमल नाटा से बात कर रहा था, नियर अबाउट 45 crore का है। और एक और बात, मेरा एंट्री का टाइम हो गया है, हजारों पब्लिक बाहर खड़ी है, आपसे एक नम्र विनंती है हम यहाँ क्लोज करेंगे क्योंकि उनको अंदर आना बहुत जरूरी है। मनमोहन जी, मेरे चाचा थे, मैं करोड़ देता हूँ। मैंने फिल्म बनाई थी खुदा गवाह, उसके बाद पठान। यस कर दीजिए, लाइए सर, मनोज जी आइए, कटानी आ जी सर, आइए सर, आइए कर दीजिए। राजकुमार सर आइए, उपस्थित मैम कहाँ गई? सामने जाइए, सामने जाइए।